आज हम बनाएंगे अरहर की दाल। अरहर की दाल बनाने के लिए ये मैंने 2 घंटे के लिए अरहर की दाल भिगो कर रख दी है, और 1 कटोरी अरहर की दाल के लिए मैंने इसमें 3 कटोरी पानी डालना है। इसमें हम 1 चम्मच नमक डालेंगे, आधा चम्मच हल्दी। कुकर का ढक्कन बंद कर देंगे और तेज आंच पर कुकर में हम 2 सीटी लगवाएंगे। ये देखिए, ये हमारी 2 सीटी में ही दाल अच्छे से गल गई है। छोंकने के लिए मैंने 1 चम्मच पिसा हुआ धनिया लिया है, 1 बड़ा प्याज बारीक टुकड़ों में काट लिया है, 1 चुटकी हींग लिया है, 1 छोटा चम्मच जीरा लिया है, 6-7 लहसुन की कलियाँ बारीक काट ली हैं, और 2 बड़े टमाटर का मिक्सी में पेस्ट बना लिया है। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें 1 बड़ी चम्मच घी गरम करेंगे, जीरा डालेंगे, बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे और 1-2 मिनट हम जीरा और लहसुन को ही भूनेंगे। एक दो मिनट हो गए हैं, इसमें हम प्याज डालेंगे और प्याज को हम हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक भूनेंगे। ये हमारा प्याज का छौंक तैयार है, इसमें हम टमाटर डालेंगे, आंच मीडियम रखेंगे। टमाटर को हम छौंक के साथ में अच्छे से मिक्स करेंगे। दो तीन मिनट तक हम टमाटर को छौंक के साथ में अच्छे से भूनेंगे। इसमें हम पिसा हुआ धनिया डालेंगे, हींग डालेंगे, धनिया और हींग को टमाटर में अच्छे से मिक्स करेंगे, आंच मंदी कर देंगे और मंदी आंच पर 2-3 मिनट तक हम टमाटर को ढककर रख देंगे। दो तीन मिनट हो गए हैं, ये हमारे टमाटर अच्छे से गल गए हैं। इन्हें हम चमचे से अच्छे से मैश करेंगे। मसाला जितना अच्छा बनेगा हमारी दाल उतनी अच्छी बनेगी। इसमें हम दाल डालेंगे और 6-7 मिनट तक हम दाल को मसाले के साथ में अच्छे से पकाएंगे। आप जब भी दाल बनाएं, दाल 2 घंटे पहले भिगो कर रख दें, इसे हमारी दाल अच्छी फूलती है। 6-7 मिनट हो गए हैं, ये देखिए हमारी अरहर की दाल तैयार है। दाल को हम चमचे से अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी बनी है। गैस बंद कर देंगे। ये हमारी दाल तैयार है। हम 1 चम्मच घी गरम करेंगे और उसमें 1/2 चम्मच पिसी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और दाल में हम लाल मिर्च का तड़का लगाएंगे। इस तरह लाल मिर्च का तड़का लगाने से दाल में बहुत अच्छा कलर आता है और दाल बहुत ही टेस्टी लगती है। इसे आप चावल चपाती के साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी अरहर की दाल की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल हेल्थी इंडिया को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।